अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको मास्क बताने जा रही हूँ वो है आपके स्कार से रिलेटेड। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कार पड़ चुके हैं तो ये मास्क आपने ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपके स्कार ख़त्म हो सके और आपको एक फ्लॉलेस स्किन मिल सके। बताने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए चलते हैं मास्क के फर्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इस मास्क में यूज़ करना है वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है ये आपको पंसार के स्टोर से इजीली मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये आपके पोर्स की डीप क्लिंजिंग करती है, आपके फेस को टून अप करती है, आपके फेस में जो स्कार पड़ चुके होते हैं उनको हील अप करना स्टार्ट करती है और इस मास्क के कॉन्टिन्यूस यूज से आपके स्कार जो है मुकम्मल तौर पर फेस से ख़त्म हो जाएंगे और आपको एक फ्लॉलेस स्किन मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपकी स्किन को साथ साथ टाइट भी करती है ताकि जब स्कार्स का प्रोसेस कंप्लीट हो, वो हील होना शुरू हो, तो ये ना हो आपकी फेस जो है वो डलक जाए। अमूमन क्या होता है, कुछ लोगों का जब स्कार हील होना शुरू होते हैं तो स्किन जो है वो डलक जाती है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, आपके फेस की स्किन को टाइटन करती है और आपके फेस पे जो है हर तरह के स्कार को हील करके हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है रेड लेंटल का पेस्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसको बनाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून रेड लेंटल लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है मैं डिटेल ऐड कर दूंगी, तो आपने वहाँ से भी रीड कर लेना है। आपने 2 टेबलस्पून रेड लेंटल लेनी है, उसको सोक करके रखना है, यानी उसको भिगो देना है। एटलीस्ट आपने 3 से 4 घंटे उसको भिगो कर रखना है। उसके बाद आप उसे ब्लेंडर में डालेंगी और ब्लेंड करके ऐसे थिक सा पेस्ट बना लेगी। ईजिली ये पेस्ट बन जाता है तो आपने परेशान नहीं होना है। अगर कुछ ना समझ आए तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिटेल को रीड कर लेना है। रेड लेंटल का पेस्ट होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये आपके स्कार को ख़त्म करता है और जो स्कार बहुत ज़्यादा डीप हो चुके होते हैं उनको हील अप करना शुरू करता है और दिनों के अंदर जो है आपके स्कार जो है आपके फेस के ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है विटामिन ई के कैप्सूल। ये आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। आपने हमेशा एवियन का नाम लेके विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं। जो ओपन फॉर्म में मिलते हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, एवियन का नाम लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका नाम ऐड कर दूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपके स्कार्स को दिनों के अंदर हील अप करता है, आपके फेस के स्कार को परमानेंट तौर पर ख़त्म कर देता है और एंड पे आपको एक खूबसूरत क्लीन और फ्लॉलेस स्किन प्रोवाइड करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको बनाने के लिए आपने 1 टेबलस्पून जो है मुल्तानी मिट्टी लेनी है, 2 टेबलस्पून आपने लेंटल का पेस्ट लेना है और 1 एवियन का कैप्सूल लेना है। चलाएं करते हैं तमाम इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स। चलिए जी, ये देखिए मैंने मुल्तानी मिट्टी के अंदर रेड लेंटल को और विटामिन ई को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और इसके अंदर जो है अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाऊँगी। चलिए जी, अब करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड ताकि हमारा जो पेस्ट है वो स्मूथ बन सके। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मास्क है। ये आपके स्कार्स को दिनों के अंदर जो है वो रिमूव कर देगा। पानी जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि पेस्ट फॉर्म में आ सके, ये ना हो कि आपका मास्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाए। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे ही आप लगाएंगे आपको खुद फील होगा वन टाइम के यूज़ से ही कि आपके स्कार जो हैं वो लाइटर होना शुरू हो गए हैं और जो वो डीप हैं वो आपको थोड़े हील होते हुए नज़र आएंगे। इस मास्क को बनाने के बाद जब तमाम इंग्रेडिएंट आपस में मिक्स हो जाएं तो इस मास्क को आपने एटलीस्ट 5 मिनट्स तक परे रहने देना है। 5 मिनट्स के बाद आप इसको दोबारा ऐसे अच्छे से ब्लेंड करेंगी और देन आपने फेस के ऊपर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेंगी। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आपने अपने फिंगर से ही इस मास्क को अपने फेस के ऊपर इवनली अप्लाई कर लेना है। मास्क लगाने के बाद 20 मिनट तक आप इस मास्क को अपने फेस पे लगे रहने देंगी। 20 मिनट के बाद जाके आप अपने फेस को टैप वाटर के साथ वॉश कर लें। फर्स्ट टाइम यूज़ से ही आपको रिजल्ट नज़र आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मास्क है। अगर आप अपने स्कार को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती हैं और फ्लॉलेस स्किन चाहती हैं तो आपने वीक में 3 टाइम्स इस मास्क को ज़रूर यूज़ करना है।
1 मंथ तक इस मास्क को वीक में 3 टाइम यूज करके देखें। आपके तमाम तरह के स्कार, चाहे वो डीप है या लाइट है या कम गहरे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आपको एक फ्लॉलेस स्किन मिलेगी। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।